नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आज आपको एक बहुत ही अच्छे एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान जिनका नाम है अंकित जी, जो हमारे परशुराम सीरियल में परशुराम का करेक्टर निभा रहे हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बड़े फिट फिट जी। अंकित बाबू, ये बताइए कि आप एक्टर बनने के बारे में बचपन से सोचे थे कि कैसे शौक आया एक्टर बनने का? सर, स्टार्ट तो मैंने मॉडलिंग से करी थी। मैं जॉन अब्राहम का बहुत बड़ा फ़ैन था जब मैं स्कूल में था, तो वहाँ से मेरा मॉडलिंग का करियर ऐसा कि मेरे को मॉडल बनना है 10th से। तो मॉडलिंग के बाद फिर क्या करना है आगे, उसके लिए मुझे आइडिया नहीं था। तो फिर जब वो आइडिया आया तो मैं एक्टिंग के अंदर आया। तो मैंने 5-6 साल मॉडलिंग करी, काफ़ी अच्छा अपना बेस जमाया इंटरनेशनल और इंडिया में, और उसके बाद मैं एक्टिंग में आया। क्या बात है जी। किस सन में आप आए एक्टिंग में? एक्टिंग में 2013 हो जाते हैं। वो मेरे को लेके भी मूवी वाले ही लेके आए। सुनील दर्शन सर की एक फिल्म आ रही थी, कर ले प्यार कर ले, तो उसमें वो लोग एंटिग्नेस देख रहे थे अपने बेटे के ऑपोजिट, तो उस मूवी में मेरा लॉन्च हुआ। मैं, हसलीन कौर, जो फेमिना मिस इंडिया थी 2012, हम सब एक ही साथ लॉन्च हुए थे। ओके जी। अच्छा, अभी आप परशुराम सीरियल कर रहे हैं जी, आपको परशुराम अपने आप से कैसे बहुत करीब पाते हैं इसको? जैसे मैं बहुत ही यानी मॉडर्न लड़का था, यानी हूँ भी, अभी भी बहुत मॉडर्न लड़का हूँ, पर परशुराम करने के बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ हम्बिलिटी, जो सर ने बताया कि मैं इंसान अच्छा हूँ, मैं इंसान हूँ अच्छा, पर परशुराम करने के बाद मैं और बहुत मेलो डाउन हो गया हूँ, बहुत काम डाउन हो गया हूँ लाइफ में, और जो सिर्फ इस कैरेक्टर की देन है मुझे। अच्छा, फैमिली ड्रामा करने में मज़ा आता है कि माइथो करने में मज़ा आता है? ये मेरा पहला माइथो है, तो ये करने में मुझे बहुत मज़ा आया, पर फैमिली ड्रामा भी करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। पर अगर मेरे को कंपेयर करना पड़े तो मुझे बस एक्टिंग करने में मज़ा आता है। आप मुझे माइथो करा लो या सोशल ड्रामा या साइको किलर, कुछ भी करा लो। क्या बात है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं जी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब मैं मोस्टली तो इस शहर में जितने भी लोग आते हैं सब छोटे शहरों से आते हैं, जैसे मैं भी आया था। तो अगर आपने सपना देखा है एक्टर बनने का, तो ज़रूर आइए और एक बार ट्राई तो अवश्य कीजिए, क्योंकि पूरी लाइफ रिग्रेट करने से अच्छा है एक बार ट्राई करना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना ही कर देंगे, जब 10 बार रिजेक्ट ही हो जाएंगे, पर आप अपने कम से कम अपने सपने के लिए काम तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऑप्शन भी बहुत खुल गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, फिल्में आ गई ढेर सारी, टीवी में बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक एक्टर के लिए क्या एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना जरूरी है? हाँ, मुझे लगता है कि अपना एक बेसिक क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ न्यू एक्टर्स भी बहुत सारे आते हैं, हमने ऑलमोस्ट 400 एक्टर्स के साथ यहाँ पे काम किया है, तो हमें एक चीज़ ये समझ में आई है कि जब आपका बेसिस एकदम जो बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं ना, तो आपको कैमरा फेसिंग, आपके लाइन्स लेना कैसे आपको याद रखना है, उसके बाद परफॉर्मेंस तो डायरेक्टर्स आपसे निकलवा लेते हैं, पर वो बेसिक चीज़ें सीखने के लिए मुझे लगता है कि एक्टिंग क्लासेस ज़रूरी हैं। क्या बात है। अच्छा, कभी कभी अपने इस अपने इंडस्ट्री को ये लगता है कि परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो बात सही है तो, पर जैसे अब हम लोग भी एक्टर्स ही हैं, हम लोग छोटे शहरों से आके, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी हम काम कर ही रहे हैं, तो वो एक उन लोग के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि जहाँ से उन लोग की स्ट्रगल शुरू होती है वहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं, जैसे सिद्धार्थ ने भी कहा है एक बार एक इंटरव्यू में, तो वो बात एकदम सही है कि जहाँ हम लोग ड्रीम करके पहुँचना चाहते हैं वहीं से उन एक्टर्स की स्ट्रगल शुरू होती है, जो बच्चे हैं सारी फिल्म फैमिली के, तो क्योंकि वो सीधा यशराज या धर्मा से लॉन्च होते हैं और हमारा ड्रीम है वहाँ तक पहुँचना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फैमिली का। पर कोई नहीं, कार्तिक आर्यन जैसे और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, सिद्धार्थ, सुशांत सिंह राजपूत अच्छे, शाहरुख खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो रिकॉर्ड सेट करते हैं, एक मैं भी हूँ। तो हाँ। अच्छा, एक ज़्यादातर आजकल एक्टर नेता भी बनते हैं जी, अभिनेता नेता भी बनते हैं, कभी पॉलिटिक्स में जाने का मन किया क्या? नहीं, मैं बातें तो बहुत करता हूँ पर मेरे को नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे वो गेम्स नहीं खेलने आते, मैं बहुत ही एक ऑनेस्ट इंसान हूँ, जैसा हूँ फेस पे रहता हूँ, गुस्सा होता हूँ तो फेस पे रहता हूँ, खुश होता हूँ तो फेस पे रहता हूँ, तो वो ऑनेस्टी के कारण मुझे लगता है कि मैं शायद पॉलिटिशियन ना बन पाऊँ। ओके जी। लास्ट में एक अपने जो फैंस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस आपने इतने साल इतना सारा प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसाते रहिए, और क्या मांग सकता हूँ मैं आपसे। थैंक यू दोस्तों।